हेलो सर, वेलकम टू बाबा, हाउ मे आई हेल्प यू? मेरे केस में डैंड्रफ है तो मुझे कुछ प्रोडक्ट सर्च करने हैं। सर डैंड्रफ आपको कैसे, मतलब ऑयली डैंड्रफ है या फिर ड्राई है? ड्राई डैंड्रफ है। ड्राई डैंड्रफ है। और सर हेड वॉश आप कैसे करते हैं, गर्म पानी से या नॉर्मल वाटर से? नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल वाटर से करते हो। और डैंड्रफ बताया आपने, ड्राई डैंड्रफ है? ड्राई डैंड्रफ। ओके। हेयर फॉल वगैरह का भी कोई कंसर्न है सर? नहीं, नॉर्मल हेयर फॉल। सर जैसे अगर आपको हेयर फॉल का कंसर्न है, हमारे पास आता है शैम्पू लेमन, इसमें भी आप लेमन है जिंजर, जैसे अगर आपके चीनेस भी अगर आपको होती हो स्कैल्प में तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा, इसकी चीनेस भी होने लगेगा, बाकी आपका डैंड्रफ तो रिमूव करेगा रहेगा। और इसके लिए यू कैन यूज, सबसे बेस्ट हमारा ऑयल आता है, ये हमारा अर्जिन ऑयल है। ये बेसिकली आपका एक तो हेयर फॉल, जैसे आप भी डैंड्रफ पे भी वर्क करेगा रहेगा, प्लस ये आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें अर्जिन में जो है आपको सल्फर मिलता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। मेरे हेयर्स भी थोड़े ड्राई रहते हैं। ड्राई हेयर्स भी रहता है। हाँ, तो ये आपका ऑयल है ना, ये आपके नरिशमेंट भी करेगा, ये आपके स्कैल्प को भी नरिश रखेगा, प्लस हेयर्स को भी नरिश रखेगा। ठीक है, ये आपने एज इसको यूज करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूज करना है ऑयलिंग, जैसे अगर आप या तो आप ओवरनाइट लगा सकते हो, अगर आपको ओवरनाइट नहीं है तो आप मॉर्निंग में शैम्पू से 2 घंटे पहले आप अपना ऑयल लगा के देन आप वॉश कर सकते हो शैम्पू से। ठीक है, और जैसे आपने बोला कि अगर आपके हेयर्स ड्राई रहते हैं तो उसके लिए भी है, जैसे शैम्पू के बाद आपने वॉश कर लिया देन यू कैन यूज ए कंडीशनर, उससे क्या होगा जो भी आपके टेंगल्ड हेयर्स होंगे वो रिटेंगल रहेंगे, है ना। तो आप इसके बाद यू कैन यूज कंडीशनर ऑल्सो, दिस कंडीशनर, दिस वन सेम लेमन। हाँ, लेमन का।